वेलकम टू फार्मा ऑरिजिन। चलिए आज कुछ नया सीखते हैं दोस्तों। आजकल की भाग दौड़ की जिंदगी में लोग अपनी शरीर का परवाह नहीं करते, अपने शरीर पर तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। ह्यूमन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम कहती है कि इंसान को हर मुफ्त में मिली चीज़ों की कदर नहीं होती। ये बात सही है और यही वजह है कि आजकल के लोग 25 से 40 की उम्र में ही रोग ग्रसित हो रहे हैं। उनका शरीर एक रोगों का घर बना जा रहा है। रिसर्च कहती है 80 से 90% रोगों का जन्म हमारे शरीर के अंदर जमी गंदगी के वजह से ही होती है। इंसान के शरीर के बाहर की गंदगी तो दिख जाती है, नहा धो के फ्रेश हो जाता है, लेकिन शरीर के अंदर की गंदगी किसी को दिखाई नहीं देती, वो साफ नहीं हो पाता और रोगों का जन्म वहीं से शुरू होता है। अब सवाल आता है कि आखिर ये गंदगी हमारे शरीर के अंदर आ कैसे रहा है। तो हम लोग रोज़मर्रा की जीवन में रोज़ खाने पीने की चीज़ें जैसे दाल, चावल, पनीर, फ्रूट्स, मांस, ये सारी चीज़ें जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं उससे हमारा 20% गंदगी हमारे शरीर के अंदर जमा होती है। वो सप्ताह में नींबू पानी पीने या उपवास रखने से वो गंदगी ख़त्म हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन वैसे लोग जो टोबैको, अल्कोहल, सिगरेट, मोमोज, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सारी चीज़ें जो कंज्यूम करते हैं, उनके शरीर में 70 से 80% गंदगी जमा होता है, जिनमें से प्रमुख है सिगरेट, टोबैको और अल्कोहल। ये तीन चीज़ों से अकेले 60% गंदगी जो है हमारे लंग्स में, हमारे फेफड़े में, हमारे ब्लड में, हमारे स्किन में, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, इंटेस्टाइन में। रिसर्च के मुताबिक एक सिगरेट और एक टोबैको को जलाने पर 4000 केमिकल रिलीज होते हैं, जिनमें से 400 केमिकल बहुत ज़्यादा जहरीले होते हैं। ये सारे केमिकल हमारे खून को, हमारे लंग्स को, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, इंटेस्टाइन को दूषित करते हैं, डिस्ट्रॉय करता है, गंदगी भर जाती है और ये दूषित खून हमारे शरीर के सभी अंगों को प्रभावित करने लगता है। हमारा स्किन डैमेज होने लगता है, चिड़चिड़ापन होने लगती है, मर्दों की सेक्सुअल पावर में कमी आने लगता है, महिलाओं की फर्टिलिटी पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर पड़ने लगता है। रिसर्च में ये भी पता चला है कि एक नॉर्मल व्यक्ति, जो स्वस्थ व्यक्ति हैं, उनका लंग्स पिंक कलर का होता है, लेकिन जो स्मोकर हैं उनका लंग्स ब्लैक कलर का होता है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ एक नेचुरल होम रेमेडी, उसके इस्तेमाल से लंग्स के साथ साथ ब्लड की भी पूरी तरह से प्योरीफाई किया जा सकता है। तो इस होम रेमेडी को बनाने के लिए हमें चाहिए 5 इंग्रेडिएंट: दालचीनी, नींबू का रस, शहद, काइन पेपर का पाउडर, ये आपको ग्रोसरी के मार्केट में मिल जाएगा, ग्रोसरी के दुकान में। इन सारे इंग्रेडिएंट को मिलाकर एक ड्रिंक तैयार करना है। इसे करने के लिए आपको 1.5 कप पानी को अच्छी तरह उबाल के एक ग्लास में निकाल लेना है, 1 चम्मच अदरक का रस, 1 चम्मच नींबू का रस और 2 चम्मच शहद डाल के इनमें से नींबू का रस और अदरक फेफड़े के अंदर जमी कालेपन को और गंदगी को डिटॉक्स करने में, निकालने में मदद करता है। और सबको मिक्स करने के बाद एक ड्रिंक तैयार हो जाएगा, जिसे आपको रात को सोते समय सिप सिप करके चाय की तरह आपको पीना है। शरीर के मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। शहद जो है वो धूम्रपान के सेवन से हुए कालेपन को रिपेयर करता है, लंग्स को डिटॉक्स करने के साथ साथ खून को भी प्यूरिफाई करता है। कुछ ही दिन इस्तेमाल के अंदर आपको आपके अंदर फर्क देखना शुरू हो जाएगा। अगर आपको आपके शरीर की थोड़ी सी भी परवाह है, आप चाहते हैं कि हम स्वस्थ हो जाएं, हमारा जो एडिक्शन है वो दूर हो जाए, तो ये नुस्खा आप ज़रूर अपनाएं। हमारा दूसरा जो होम रेमेडी है वो भी नेचुरल है, चलिए उस पर बात करते हैं। शरीर से तंबाकू सिगरेट की गंदगी को निकालने के लिए च्यवनप्राश भी एक बेस्ट औषधि है, क्योंकि ये एक आयुर्वेदिक है और बॉडी को डिटॉक्स करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहिए हमारे साथ और फैमिली में शेयर कीजिए। ऐसे वीडियो मैं लेकर आता रहता हूँ। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।